हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ वर्मा और मैं हूँ फाउंडर एनसेस का। बेसिकली मैं कुछ मुद्दों पे बात करना चाहता हूँ इस चीज़ के ऊपर, बिकॉज एनसेस 2.0 शुरू होने वाला है। सो एनसेस 2.0 है क्या, वो उसके बारे में तो मैं आपको शायद बाद में बताऊंगा, ठीक है? बहुत जल्दी उसके भी ऊपर वीडियो आएगा, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, वो एक अलग नज़रिया है। बेसिकली लोग पूछते हैं कि आपकी एजुकेशन का मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का मतलब क्या है। ठीक है, मैंने एग्जाम दिया, पास हो गया, मैं नंबर आ गए, खुश हो गया, सोसाइटी में नाम हो गया, लोग ठीक है ताली बनाए, पार्टी दे दिया, या अगर मैं फेल हुआ तो ठीक है कोई बात नहीं यार, एक्सेप्ट कर लिया कि मैं मुझे नहीं आता। ये दो चीज़ मैंने हर जगह देखी है, क्योंकि बचपन से मैं कोई ऐसा नहीं कि बहुत ठीक है बहुत ब्राइट स्टूडेंट था, कभी भी मैं ब्राइट स्टूडेंट नहीं रहा हूँ। मैं हमेशा मैं कई बार फेल्स भी हुआ, मैंने बोल सकते कि मेरा फोकस बिल्कुल नहीं था पहले स्टडीज़ में, लेकिन विद द टाइम मुझे समझ में आया कि उसकी अहमियत क्या है। कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है, लेकिन वो स्ट्रगल वाला पीरियड था। मैं नहीं चाहता कि कोई भी स्टूडेंट वो स्ट्रगल पीरियड को फेस करे, क्योंकि इतना आसान नहीं होता कि और सबके सब पास नहीं हो पाते उसमें। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो सॉरी जो बताना चाहता हूँ वो है कि आपको क्या करना है, आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। बेसिकली देखिए, आप कोई भी चीज़ पढ़ो, ठीक है, एक पढ़ना समझ में आता है कि हाँ मुझे ये समझ में आ गया कि इसकी ये डेफिनेशन है, समझ में आ गया कि चलो कोई बात नहीं, ये वर्ड हमने पढ़ लिया, दैट्स ऑल। नहीं, सिर्फ इतना नहीं करना है आपको, आपको जब वो पढ़ना है तो उसे दुनिया के हर चीजों में कनेक्ट करके देखना है। सपोज मैं आपको बात करता हूं, एक सिंपल बात की, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है आपके पास, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, क्वाड्रेटिक फंक्शंस है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। आपको यह सोचना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन म्यूजिक के अंदर कैसे अप्लाई होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिकेट के अंदर कैसे अप्लाई होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फुटबॉल के अंदर कैसे अप्लाई होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक फूड के अंदर कैसे अप्लाई होगा। जब आप जो भी आप पढ़ते हो टेक्निकल चीज, टेक्निकल या जो भी चीज़ आप पढ़ते हो, अगर उसका एप्लीकेशन नहीं है कहीं भी, अगर आप उसको एप्लीकेशन लगाने में क्षमता नहीं है आप में, तो आपकी वो जो इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ एक एग्जाम के मार्क्स के रूप में कॉपी में बंद होकर चली जाएगी, मेरे हिसाब से। हो सकता है मैं गलत हूँ शायद, लेकिन मेरे हिसाब से तो मुझे अब तक ये जो समझ में आया पूरी दुनिया में, लोगों से बात करके, लोगों को पढ़ाकर, इंप्रूवमेंट लाकर, चेंजेस लाकर, कि ये चीज़ें ही मेन प्रॉब्लम है। आपको 2+2=4 तो पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि अगर मैं पूछ लूँ कि 2+2+3 क्या है, तो आप बोलोगे ये मेरा आउट ऑफ कोर्स है, सॉरी मेरा लिमिटेड है दिमाग, मैं अपने दिमाग से इससे ज़्यादा नहीं सोच सकता, यही मेरा लिमिटेशन है, पहले ही वो हाथ खड़ा कर देंगे, यही यहीं पर वो गलती कर जाते हैं। आपको एक्सटेंड करके सोचना है, हर चीज़ के लिए तैयार रहना है। कभी भी आपकी ज़िंदगी में फिक्स प्रॉब्लम नहीं आएंगी, वो प्रॉब्लम घूम फिर के सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके पास आएंगी, और आपको उस टाइम अपने पैरामीटर्स में, अपने स्किल्स में, अपने विजडम पावर में, अपने थिंकिंग में वो चेंज करके समझना पड़ेगा कि हम मुझे उस टाइम क्या डिसीजन लेना है। यही यही आपकी स्टडी काम आती है। एक एक चीज जो आप पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं काम आती है एप्लीकेशन में, कहीं ना कहीं आपकी विजडम पावर को इंक्रीज करती है, कहीं ना कहीं आपकी कैपेबिलिटी को इंक्रीज करती है। आपको क्या लगता है कि क्रिकेट खेलना बहुत आसान है, क्रिकेट डू यू थिंक ये बहुत ईजी है, हम गए दो चार बल्ले लगाए, ठीक है बॉलिंग की, बस आ गया? नहीं, क्रिकेट भी अगर आपको सीखना है ना, अगर प्रोफेशनली सीखना है, देखो अगर गली मोहल्ले में खुद का सचिन तेंदुलकर बनना है तो ठीक है भाई, ठीक है अपने घर में सचिन तेंदुलकर हो गए, लेकिन असली कॉम्पिटिशन कहाँ आता है, इंटरनेशनल पे, तो इंटरनेशनल में कैसे करोगे आप? आपको लगता है कि नहीं नहीं वहाँ तो ठीक है, वहाँ के सचिन तेंदुलकर नहीं हो आप, आपको वहाँ जाके सीखना पड़ेगा, राइट, वहाँ के पैटर्न को समझना पड़ेगा, वहाँ पे कंपटीशन बढ़ती जाएगी चीज़ें, आप उस चीज़ को कैसे कम्पीट करोगे? आपको क्या लगता है वहाँ पढ़ाई काम नहीं आती, वहाँ भी पढ़ाई काम आती है, मैं बताता हूँ कैसे। आपको क्या लगता है कि अगर मान लीजिए स्ट्रेट बॉल आ रही है तो आप सिर्फ चौके छक्के मारे बस यही होता है? नहीं, आपको पिच की कंडीशन देखनी पड़ती है, पिच कितना वैरी करेगा विद इन द टाइम, कितनी बार ठीक है बॉल में चेंजेस होगी, ठीक है बॉल किस तरह से बिहेव करेगा, हवा किस तरह से है, फील्डर किस तरह से आगे पीछे कनेक्टेड है, लोग किस तरीके से फील्डिंग पोजीशन हो सकती है, बॉलर किस तरह का वेरिएशन कर सकता है, बॉलर की माइंडसेट क्या हो सकती है, साइकोलॉजिकल माइंडसेट क्या होती है, स्टैटिस्टिकली प्रोबेबिलिटी क्या है, उस कंडीशन उस सिचुएशन के अंदर क्या बेस्ट विजडम हो सकती है, उस टाइम क्या डिसीजन लेना चाहिए, मेरी क्या कंडीशन है, मैं इंटरनली ठीक है क्या टेम्परेचर में खेल रहा हूँ, लोग का सपोर्ट क्या है, मेंटली क्या चीज़ है, लोग किस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं मेरी, ठीक है मेरी साइकोलॉजी क्या कर रही है उस बॉल पर करने को। एक एक छोटी छोटी चीज़ें, बहुत छोटी छोटी माइनोर चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है। और आपको क्या लगता है वहाँ पे कैलकुलेशन नहीं आती, वहाँ पे मैथ्स वो सब नहीं आती, चीज़ आती है, सब आती है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपने सिर्फ बुक में पढ़ा हो, लेकिन वहाँ भी मैथ्स लगाई जाती है हर चीज़।
आपका जब मैच हो जाता है फिर आपकी सारी चीज़ों के बारे में स्टडी की जाती है, आपने किस बॉल पे ठीक है किस तरह मारा, किस तरह नहीं लगा, कहाँ बैट बार बार वो पैटर्न रिपीट हो रहे हैं, उस पैटर्न को हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं इम्प्रूव कर सकते हैं, और उस चीज़ को हम किस तरीके से एब्जॉर्व करके उसमें नई स्किल डेवलप कर सकते हैं। आपको क्या ये मत सोचिए कि बस हमें आ गया अब हम ठीक है चंगा सी सब बिल्कुल बिंदास हम लोग, नहीं, आपको हर वक्त कुछ नया सीखना कोशिश करना पड़ेगा। कंपटीशन ऐसा नहीं है आप जिस दिन सोच लिए ना कि नहीं अब तो मैं सबसे महान हूँ दुनिया का, ठीक है मुझसे बड़ा कोई नहीं, उस दिन आपका पतन शुरू हो जाएगा। जिस दिन आप ये सोचोगे कि मुझे हर वक्त सीखना है, अपने कान आँख सब कुछ खुले रखने हैं, हर तरफ सेंस करना है क्या नई चीज़ सीख सकते हैं, आपको कंपटीशन देना बहुत मुश्किल हो जाएगा दूसरों को। दुनिया में भीड़ में मत रहो, भीड़ में रहोगे भीड़ में ही रह जाओगे, ठीक है लीडर बनो, लीडर इन द सेंस कि आप इनिशिएटिव लो अपनी तरफ से, आप क्या कर सकते हो, आपकी जो भी स्किल्स हैं शेयर करो लोगों के साथ, माइंडफुल लोगों के साथ शेयर करो। अगर मैं आपको बोलूं कि नहीं भाई सॉरी अगर मैं आपको ये एक चीज बोलूं कि आप एक काम करो, यहां पे 100 लोगों के पास जाओ, यहां पे 100 लोगों के पास जाओ और आप उनसे पूछो आपको क्या उनकी कैपेबिलिटी लगती है, जो भी आप उनसे सीख सकते हो सकता है कि आपको 99 बेवकूफ लगे, बिल्कुल खराब लगे, राइट, लेकिन फिर भी आप वो जो एक लास्ट जो बंदा बच्चा होगा फिर भी आप चांस लेना। दुनिया में क्या होता है, मैं किसी से बात करता हूँ, भैया आप कौन, मैं ये, वो लोग सोचते हैं यार इस तरह के ऐसे होते होंगे, अपने मन से कुछ भी दिमाग में डाल देते हैं, पहले से दिमाग से वो ट्रेंड है, ब्रेन वॉश्ड है कि ऐसे ही सोचना है उनको, यही पैटर्न में सोचना है, उससे आगे वो नहीं सोच सकते, अपना लॉजिकल दिमाग नहीं लगा सकते। वो बोलते हैं ना कि सामने मैं तो ठीक है ट्रेन के सामने खड़ा रहूंगा, आ जाओ मार लो, ठीक है और कुछ फायदा नहीं होगा उससे, राइट। तो आप ये समझो, ठीक है, डोंट बी हिप्नोटाइज्ड बाय अदर थिंग्स। अगर आपको रियली में अगर ब्रेन वॉश हो रहा है ना तो सही चीज़ के लिए हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, सही माइंडसेट के लिए हो जाओ, एवरीथिंग बिकम ईजी। ब्रेन वॉश होना है तो ये इसके लिए ब्रेन वॉश हो जाओ कि मुझे लॉजिकली सोचना है हर चीज़ लाइफ में मैं अपनी लाइफ में कैसे चेंजेस ला सकता हूँ और अपने साथ में दूसरों की लाइफ में कैसे चेंजेस ला सकता हूँ। लाइफ का मतलब ये नहीं है कि हमें ठीक है सब कुछ मिल गया, गाड़ी घोड़ा घर खाना आराम से, वो तो यार जानवर भी जीता है, फिर तुम्हारी क्या, फिर तुम्हें इंसान क्यों बनाया गया, कभी सोचा आपने? अपनी इंसानियत को फाइंड आउट करो, क्यों इंसान बने हो उसको फाइंड आउट करो। जिस दिन ये फाइंड आउट कर लोगे उस दिन लाइफ ईजी हो जाएगी, लाइफ मीनिंगफुल हो जाएगी, लाइफ में अपने आप जोश आ जाएगा। लेकिन अगर आप अपने आप को कमरे में बंद रखोगे तो कुछ नहीं होगा, वहीं पे सोचते रह जाओगे और उसी भीड़ चाल में चलते रह जाओगे और फिर लास्ट में आपको जो आपको लग रहा है ना कि मेरे साथ दुनिया है वो दुनिया बिखर जाती है लास्ट में, कोई पूछना नहीं आता। मैंने बहुत ऐसे केसेस देखे जहाँ पे हमें लगता था नहीं बहुत क्लोज फ्रेंड है, कोई मतलब नहीं है भाई, ठीक है वो अपनी लाइफ में खुश, मैं अपनी लाइफ में खुश, बाकी सब अपनी लाइफ में खुश। आपको बस आपके बारे में और आपके ऊपर जो डिपेंडेंट लोग हैं जो आपको एज ए होप मानते हैं उनके लिए वर्कआउट करो, उनके लिए करो चीजें, मेहनत उनके लिए करो। अगर अपने लिए नहीं कर सकते हो, अपने लिए मोटिवेशन नहीं आता, अपने ऊपर तरस नहीं आता, दूसरे के लिए करो, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ करोगे। और ये बात मैं समझ बता रहा हूँ, स्टार्टिंग जब भी चेंज होता है तो चेंज करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत एनर्जी लगती है, दिमाग में हजार बार आता है कि नहीं छोड़ दो इसको, नहीं पॉसिबल है, अरे आराम की जिंदगी क्यों छोड़ के आए हो, ठीक है कई लोग बोलेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे, लेकिन आपका जो अंदर का जज्बा होगा वही आपको आगे लेके जाएगा। दैट्स माय चैलेंज।